देश प्रदेश इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। हिमाचल में गर्मी के साथ सूखे ने पिछले 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ डाला है। मार्च अप्रैल महीने में बारिश ना होने से फसलें सूखने लगी हैं। जंगल आग से दहक रहे हैं। जगह जगह पानी की समस्या को लेकर लोग प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। आने वाले दिनों में ये समस्या और बढ़ सकती है, क्योंकि प्रदेश में सूखे और गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मार्च महीने में 95.1% बारिश कम रिकॉर्ड हुई है। इससे पहले साल 2008 में 95.9% कम बारिश हुई थी। गर्मी ने मार्च महीने में ही रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। देश भर में गर्मी रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। ये सब जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, जिसके चलते सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। विशेष जो है फर्क आने वाले दिनों में देखने को नहीं मिल रहा है, और ये जो कम बारिश और तापमान जो ज़्यादा रह रहे हैं, इससे जो है फसलों के ऊपर, ओवरऑल ग्राउंड वाटर के ऊपर, और खासकर ये बात है जो फ्रेश वाटर जो स्नोफॉल से होता है, उसका भी रेट ऑफ मेल्टिंग थोड़ा बढ़ता है, तो पानी का जो अवेलेबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। गर्मियां शुरू होते ही देश भर से पर्यटक सुकून की तलाश में हिमाचल की ठंडी फिजाओं का रुख करते हैं, लेकिन इस बार मैदान से लेकर पहाड़ तक सभी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। तापमान सामान्य से 6 से 7 डिग्री अधिक चल रहा है। अब पर्यटक तो क्या हिमाचल के लोग ही अप्रैल महीने में गर्मी से परेशान हैं, तो फिर मई और जून में क्या हालात होंगे। शिमला से पीचंद, समाचार फर्स्ट।